Hello guys, guess who again? In this lecture, we are going to revise one of the important chapter for ethics, IPC communication, which is group and group dynamics. Bahut hi jaldi hum isko revise kar lenge. I hope by the end of this video, you will be able to recall and remind it. And guys, do share the video as much as you can and do subscribe my channel for the more videos. Because sooner I am going to come with the revisionary videos of all the concepts of company law. I am going to come with a revision video of all the concepts of auditing. So it is beneficial for all the students who are doing the self-study and or who are taking the classes from the other teacher. Jaise ki main hamesha kehta hu, her teacher bahut acha hota hai. Main bhi acha teacher hu, uska matlab hai. Okay, jokes apart. Start karta hu, the group and group dynamics. 4-7 number ke weightage hai. जनरली 4 नंबर का क्वेश्चन आता है. ग्रुप का मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप? अच्छा कोई ग्रुप का एग्जांपल लेके बता दो. इंडियन क्रिकेट टीम एक ग्रुप ही तो है. अरे हाँ सर, इंडियन क्रिकेट टीम इज अ ग्रुप. इंडियन क्रिकेट टीम ग्रुप है, वो रेगुलरली मिलते हैं. किस लिए? मिलकर खेलते हैं. सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है, जीतेगा भी जीतेगा, इंडिया वाला जीतेगा. मतलब इंडिया को जिताने के लिए खेलते हैं. एक दूसरे का इन्फ्लुएंस होता है. तो ग्रुप का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू पीपल जो रेगुलर मिलते हैं, इंट्रैक्शन करते हैं, एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस होता है, हु वर्क टुगेदर टू अचीव अ पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, दैट वी कॉल्ड एज अ ग्रुप. दो या दो से ज्यादा लोग, दो या दो से ज्यादा लोग जो क्या करते हैं, रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रेगुलर इंट्रैक्ट करते हैं. दो या दो से ज्यादा लोग जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रेगुलर इंट्रैक्ट करते हैं, म्यूचुअल इन्फ्लुएंस है एंड दे वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल. दो या दो से ज्यादा लोग जो रेगुलर कॉन्टैक्ट करते हैं, रेगुलर इंट्रैक्ट करते हैं एंड म्यूचुअल इन्फ्लुएंस है एंड दे वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ग्रुप. उसे क्या बोलते हैं बेटा? ग्रुप. ग्रुप जनरली दो प्रकार के हैं. वन इज कॉल्ड एज फॉर्मल ग्रुप, अदर वी कॉल्ड एज अ इनफॉर्मल ग्रुप. फॉर्मल ग्रुप का मतलब क्या? मैनेजमेंट ने क्रिएट किया, वो ग्रुप जिसको मैनेजमेंट ने कोई ड्यूटीज दी है. बिकॉज कंपनी लॉ ने बनाया है, कंपनी लॉ ने कहा है, जैसे ऑडिट कमेटी, इन्वेस्टर गवर्नेंस कमेटीज, मैनेजर मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन कमेटीज, मतलब ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए जो ग्रुप बनाया, जो इंडिविजुअल का ग्रुप बनाया मैनेजमेंट ने, उसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल ग्रुप. इनफॉर्मल ग्रुप क्या होता है? इनफॉर्मल ग्रुप क्या होता है सर? क्या होता है इनफॉर्मल ग्रुप बता दो. तो बेटा जी, जो बन जाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज है उनका ऑटोमेटिकली अपना एक ग्रुप बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल ग्रुप. जो ऑटोमेटिकली ग्रुप बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्त? इनफॉर्मल ग्रुप. ऑटोमेटिकली बन जाता है. आप देखोगे जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आप 4-5 लोग इकट्ठा खाने जाओगे तो आपका एक ग्रुप बन जाएगा. थोड़ा सा
हंसी में एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। मैंने जनरली देखा जो सुट्टा गैंग होता है वो बहुत जल्दी बन जाता है। सुट्टा मतलब जो लोग सिगरेट पीते हैं ना, मैंने देखा है जनरली ऑफिस में उन लोगों का अपना ग्रुप जल्दी बन जाता है, पता नहीं क्यों, बट साइकोलॉजिकली सोशल की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप बन जाता है। हर ग्रुप में कुछ फीचर है। पहला फीचर ग्रुप गोल्स। हर ग्रुप का कोई ना कोई गोल होता है। एवरी ग्रुप इज मेड फॉर अ गोल। एनी क्रिकेट टीम क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए बनाया गया, क्रिकेट जीतने के लिए। हर ग्रुप का स्ट्रक्चर है कि कौन उस ग्रुप को लीड कर रहा होगा, कैसे उस ग्रुप के अंदर काम किया जाएगा। हर ग्रुप के अपने अपने रोल्स होते हैं। यार आपके यहाँ पे भी तो RWS है, वो भी तो ग्रुप है। उसके अंदर सेक्रेटरी होता है, कोई प्रेसिडेंट होता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी का कोई चेयरमैन होगा, कोई सेक्रेटरी होगा। मैनेजमेंट रेगुलेशन कमेटी का भी चेयरमैन होगा, जो कि एज पर द कंपनी लॉज आपको बनाना पड़ता है। हर ग्रुप का अपना पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन है। इफ़ यू सी द इंडियन क्रिकेट टीम, जैसे बात करती है आप, देखना जब भी हम कुछ पाकिस्तान के खिलाफ देखा है मैंने कि वो जनरली थोड़ा सा इंग्लिश में ज़्यादा बात करते हैं, हिंदी में कम। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दे यूज टू स्पीक इन हिंदी बिकॉज द इजिली वो लोग समझ नहीं पाते। सो इट इज़ अ पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ द कम्युनिकेशन इज यू नो फ्लो इन द ग्रुप। ग्रुप नॉर्म्स, एवरी ग्रुप हैज इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन। हर ग्रुप का कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है। हर ग्रुप किसी गोल के लिए होता है, कि गोल नहीं होगा तो ग्रुप एग्जिट गोल के लिए होता है। हर ग्रुप का स्ट्रक्चर होता है, यानी एवरी पर्सन हैज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ग्रुप पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ द कम्युनिकेशन, हाउ दे कम्युनिकेट, पैटर्न ऑफ मैसेज फ्लो, हाउ द पैटर्न ऑफ मैसेज फ्लो, कैसे ग्रुप के अंदर मैसेज फ्लो रहा। ग्रुप नॉर्म्स, ग्रुप रूल्स एंड रेगुलेशंस, ग्रुप क्लाइमेट, ग्रुप का एटमोसफेयर। ग्रुप एटमोसफेयर से मेरा मतलब है कि बॉस लोगों के बीच में बॉन्डिंग कैसी है, कैसी पार्टिसिपेटिव स्प्रिट है, ओपननेस कैसे, एक्सेट्रा। दैट इज कॉल्ड एज ग्रुप क्लाइमेट। अगेन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ग्रुप? द फर्स्ट इज हर ग्रुप का अपना गोल होता है, ग्रुप स्ट्रक्चर, ग्रुप का अपना एक स्ट्रक्चर है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ग्रुप पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन, ग्रुप कैसे कम्युनिकेट करता है, कैसे मैसेजेस फ्लो होते हैं। ग्रुप नॉर्म्स, ग्रुप के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ग्रुप का क्लाइमेट, ग्रुप का एटमोसफियर, लोगों के बीच में कितनी बॉन्डिंगनेस है, कितना ट्रस्ट है, लोगों की पार्टिसिपेटिव स्प्रिट कैसे। कुछ ग्रुप्स ऐसे देखते हैं जिसमें हर कोई पार्टिसिपेट करता है, और कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिसमें हर कोई पार्टिसिपेट नहीं करता। तो यानी हर ग्रुप का अपना एक अलग एटमोसफियर है, हर ग्रुप का अपना एक अलग क्लाइमेट है। I repeat once again, हर ग्रुप का क्या होता है, अपने गोल्स होते हैं। हर ग्रुप का क्या होते हैं, अपनी अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्रुप स्ट्रक्चर है, हर ग्रुप का अपना ग्रुप पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन है, हर ग्रुप के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, विच इज इन द नेम ऑफ ग्रुप नॉर्म्स। ग्रुप क्लाइमेट, हर ग्रुप के अंदर अपना एक एटमोसफेयर है जो ये बताता है ग्रुप के अंदर पार्टिसिपेटिव स्प्रिट कैसी है लोगों के बीच में। नाउ टाइप्स ऑफ फॉर्मल ग्रुप्स, फॉर्मल ग्रुप्स कितने टाइप्स हैं? द फर्स्ट इज अ सेल्फ डायरेक्टेड टीम, क्वालिटी सर्कल, कमिटीज एंड टास्क फोर्स। बेसिकली द फॉर्मल ग्रुप इज डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट्स। द वन इज कॉल्ड अ सेल्फ डायरेक्टेड टीम, सेकंड इज क्वालिटी सर्कल्स, थर्ड इज कॉल्ड कमिटीज एंड फोर्थ इज टास्क फोर्स। सेल्फ डायरेक्टेड टीम क्या होती है? एक वो टीम without managerial supervision। सर क्या बात कर रहे हो, ग्रुप के लीडर होते हैं। हाईली स्किल्ड एम्प्लॉयज इस टीम के अंदर होते हैं। किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए हम टीम भेजिए और हर बंदा अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानते हैं। कोई बंदा उनका लीडर नहीं है, हर बंदे को अपना काम करना है। मतलब they are empowered to take their own decisions। एक ऐसी टीम
जिसके अंदर कोई मैनेजर सुपरविजन नहीं है, हर बंदे की अपनी एक अलग स्किल है, हर बंदे का अपना स्पेशलाइज्ड है, हाईली टैलेंटेड एम्प्लॉयज हैं, एंड इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी बंदा डिसीजन ले सकता है। क्वालिटी सर्कल एक ऐसा ग्रुप जिसमें यूजुअली सेम काइंड ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब सेम रैंक के एम्प्लॉयज जो सेम काम करते हैं, वो जनरली वीक के अंदर आधे से एक घंटा मिलते हैं और अपनी बातों को वो डिस्कस करते हैं। अपनी बातों वो क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, मतलब उनको क्या क्या इस हफ्ते उन्होंने क्या नया सीखा, कोई चैलेंजेस आया उनको उसने कैसे रिजॉल्व किया, उनको उन्होंने कैसे रिजॉल्व किया। मतलब क्वालिटी सर्कल जो है एक तरीके से गुड रिलेशन बनाने में बड़ा अच्छा है। जनरली आप एमएनसीज के अंदर ये सारी चीजें देखोगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट था अपना सेल्फ डायरेक्टेड टीम, अ टीम विदाउट मैनेजरियल सुपरविजन। बहुत ही हाईली टैलेंटेड एम्प्लॉयज है, स्किल्ड एम्प्लॉयज है, खुद डिसीजन ले सकते हैं, खुद काम करते हैं, कोई भी इनका मैनेजर नहीं होता। क्वालिटी सर्कल स्मॉल ग्रुप होता है, सेम रैंक के लोग मिलते हैं, आपस में अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, कैसे उन्होंने डिसीजन लिए वो एक दूसरे को बताती है, और किसी कोई प्रॉब्लम होती है वो दूसरे से पूछता है इसको कैसे सॉल्व किया जाए, यानी एक अच्छे रिलेशंस बनाने वाला ग्रुप। कमेटी, कमेटी होती है जिनको ऑफिशियली बनाना पड़ता है, ऑफिशियली इनको कुछ पावर्स डेलीगेट करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। जैसे कंपनी की बात करूं तो उसके अंदर टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट कमेटीज को कुछ फंक्शंस डेलीगेट, कुछ अपने फंक्शंस, कुछ पावर डेलीगेट करता है। कमेटी रिपोर्टिंग के लिए बनाई जा सकती है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बनाई जा सकती है, किसी ऑफिशियल ड्यूटीज को मीट करने के लिए बनाई जा सकती है। तीन टाइप्स की कमेटी होती है जनरली, स्टैंडिंग, एडवाइजरी, एडहॉक। स्टैंडिंग कमेटी मतलब वो कमेटी जो परमानेंट इन नेचर है, परमानेंट एंड नेचर एंड हाईली एम्पावर्ड, जैसे ऑडिट कमेटी है, हाईली एम्पावर्ड, ऑडिट से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए छूट दी गई है, हमेशा परमानेंट है, हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में रहती है, मेंबर्स मे कम मे गो आउट बट द ऑडिट कमेटी रिमेन्स फॉर एवर। एडवाइजरी कमेटी एक्सपर्ट्स की होती है रिकमेंडेशन के लिए, जैसे हमारे देश में कोई प्रॉब्लम आ गई, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एडवाइजरी कमेटी बनाते हैं जो कि गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देती है। जैसे कि आप लोगों ने गैर रूल्स के बारे में पढ़ा होगा या अपने इनकम टैक्स टीचर के से सुना होगा, तो उनके ऊपर एक सर की, एक जस्टिस जी की कमेटी बनाई गई थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जिन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। यार बीसीसीआई में भी तो बनाई गई थी जस्टिस लौधा कमेटी, जिन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी बीसीसीआई की वर्किंग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की। तो एडवाइजरी कमेटी इज अ कमेटी दिस कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ एक्सपर्ट्स एंड दैट इज यूज्ड टू गिव द रिकमेंडेशंस। एडहॉक कमेटी किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई जाती है, दैट इज मोस्ट प्रिवेलेंट इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। हमारे यहाँ पे जब भी हादसा हो जाता है तो एक टेम्परेरी कमेटी बना दी जाती है, उस कमेटी जांच करती है, जांच करने के बाद गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट सौंपती है, मतलब किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। पर्टिकुलर पर्पस के लिए स्टैंडिंग कमेटी विच इज परमानेंट इन नेचर विच इज हाईली empowered, advisory committee which is compromises of expert which is made to give the recommendations, and third is ad hoc committee which has temporary nature and जिस particular purpose के लिए बनाई गई है वो purpose पूरा होते के साथ ये dissolve हो जाती है। task force होती तो committee जैसे ही है लेकिन that is highly empowered, task force के पास decision लेने की power होती है, जबकि एडहॉक कमेटी के पास डिसीजन लेने की पावर नहीं होती, वो तो अपना काम करती है, काम करके चली जाती है, जबकि टास्क फोर्स के पास डिसीजन लेने की पावर है। एक ऑर्गेनाइजेशन में सेल गिर रही है, एक टास्क फोर्स बनाई, कारण पता करो सेल क्यों गिर रही है और जो डिसीजन लेना है लो, कारण पता क्या, डिसीजन लिया, काम खत्म, रिजॉल्व। टास्क फोर्स जनरली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बनाई जाती है, किसी काम को फटाफट करना, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू आ रहा है उनको रिजॉल्व करने के लिए अपन लोग टास्क फोर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं अपन लोग, टास्क फोर्स। आई रिपीट वंस अगेन, फॉर्मल ग्रुप्स कितने प्रकार के होते हैं,
चार प्रकार के, फर्स्ट इज सेल्फ डायरेक्टेड टीम, सेकंड इज क्वालिटी सर्कल, कमेटी जो ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के बारे में, कितनी कमेटी है स्टैंडिंग, परमानेंट है, डिसीजन ले सकते, जैसे ऑडिट कमेटी, मैनेजर रेमुनेशन कमेटी, एडवाइजरी कमेटी, एक्सपर्ट्स होते हैं रिकमेंडेशन देने के लिए बनाई जाती है, एडॉक कमेटी किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई गई, पर्टिकुलर पर्पस पूरा हुआ कमेटी को डिसॉल्व कर दिया गया, टास्क फोर्स डिसीजन लेने के लिए बनाई जाती है, हाईली एम्पावर्ड है, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई गई है, पर्टिकुलर पर्पस होता है खत्म, बहुत ही प्रिवलेंट होता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, गवर्नमेंट इसका ज्यादा यूज करते हैं, प्राइवेट लोग ज्यादा यूज नहीं करते टास्क फोर्स का। नेक्स्ट अपना टॉपिक है ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप डायनामिक्स का मतलब क्या, डायनामिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑपरेटिंग इन द ग्रुप, स्टडी ऑफ फोर्सेज ऑपरेटिंग इन द ग्रुप, मतलब ग्रुप के अंदर क्या चल रहा है, ग्रुप का क्लाइमेट कैसा है, लोगों के बीच में कितनी बॉन्डिंग है, कितना ट्रस्ट है, कैसे लोग अपने रिलेशनशिप को एडजस्ट करें। यार एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हमारे शहबाज आलम क्लासेस में और हमारी मास्टर क्लासेस की सबसे खास बात है, वी थ्री पार्टनर्स हैव अ यू नो ब्लाइंड ट्रस्ट टू ईच अदर, वी ट्रस्ट ईच अदर। जैसे मैं इस टीम का सबसे छोटा मेंबर और सबसे ज्यादा कह सकते हो थोड़ा सा टेक्निकली साउंड, बट मेजर डिसीजन में शाबेश सर करते हैं, मुझे डांटते भी है, मुझे समझाते भी है, मुझे मेरी कमियों को भी बताते हैं, वी ट्रस्ट ईच अदर, मुझे कहते हैं यार इस चीज को ऐसे नहीं ऐसे करके देख, दैट इज गुड फॉर अस। ग्रुप डायनामिक्स का मतलब क्या है, जो फोर्सेस ग्रुप के अंदर चल रही है, हाउ द फोर्सेस इज ऑपरेटिंग इन द ग्रुप, दैट वी कॉल्ड एज ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप के अंदर कैसे फोर्सेस चल रही है, दैट वी कॉल्ड एज अ ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप के अंदर कैसे क्लाइमेट है, लोगों के बीच में आपस में रिलेशनशिप कैसे है, कितना इंट्रैक्शन है, इंट्रैक्शन है भी या नहीं है, इस सब की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप डायनामिक्स। इज दिस पॉइंट इज क्लियर, अच्छे से क्लियर हो गया ना, ग्रुप डायनामिक्स क्या है, फोर्स स्टडी ऑफ फोर्सेज ऑपरेटिंग इन द ग्रुप, ग्रुप के अंदर लोग कैसे इंट्रैक्ट कर रहे हैं, How the people are interacting in the group, how strong bond they are sharing. Group के अंदर हमेशा behavior change होता रहता है, group is dynamics is a how the relationship are changing, how the relationship are adjusting in the group. इन सब की study को भी called as a group dynamics. Now next topic is group think. सबसे बड़ी बीमारी है group की, group think. वो टच हमारे ग्रुप में ऐसा नहीं है। ग्रुप थिंक का मतलब होता है लेस डिस्कशन इन द ग्रुप, मतलब सर आपने ये लेस डिस्कशन द ग्रुप क्यों लिखा, मेंबर्स ज्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो चाहते हैं यार शांति बनी रहे, मतलब एक बंदा जो कह रहा है उसी की चल रही है, जो उसने कह दिया हाँ भाई फाइनल है, क्या डिसीजन मेकिंग अच्छा होगा क्या, नहीं। कभी कभी शावे सर कुछ कहते हैं मी एंड राकेश, नहीं सर ऐसा नहीं, इसको ऐसा करना पड़ेगा, इट्स द कॉल ऑफ द टाइम। यानी ग्रुप थिंक का मतलब है कि बॉस आप जो है एग्रीमेंट ग्रुप में बना रहे उसके लिए आप चुप रहते हो, मतलब जो डिसीजन वो ले रहा है भैया बढ़िया, आप जो कह रहे हो बढ़िया, कोई कुछ नहीं बोल रहा, सबसे बड़ी कमी है, कंपनी ऐसी नहीं चलेगी। कंपनी के अंदर दो तरीके के डायरेक्टर्स है होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव, विच वी कॉल्ड एज समटाइम्स कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का काम ही है कि ये चेक करना कि जो कंपनी कर रही है, जो काम हो रहा है, वो स्टेक होल्डर्स के बेनिफिट के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ही चुपचाप बैठे रहेंगे कि यार जो तुम्हें करना है कर लो, बहुत दिक्कत हो जाएगी, कंपनी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए तो कंपनी सेक्ट कहता है कि अगर अब की बार कुछ हुआ तो बेटा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपके भी रोल को चेक किया जाएगा।
अगर ग्रुप थिंक होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है? हम सिर्फ फ्यू ऑल्टरनेटिव्स को चेक करते हैं, हम एक दूसरे के एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करते, क्रिटिकल नहीं होते एक दूसरे के डिसीजन को लेके, एवरी ऑल्टरनेटिव को नहीं चेक करते, एक्सपर्ट को ओपिनियन नहीं लेते, सिर्फ सिलेक्टिव है जो जो इंफॉर्मेशन हमें पता था, वी आर नॉट टेकिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, वी आर जस्ट सिलेक्टिंग द सम इंफॉर्मेशन एंड वी डोंट हैव एनी कंटिजेंसी प्लान्स। और ऑब्वियस है जब एक बंदे सारे डिसीजन लेगा, क्या पता उसको उसने सारी प्लानिंग करी है या नहीं करी, तो ग्रुप थिंक इज बैड इन द ग्रुप, दैट इज बैड इन द ग्रुप। पेपर के लिए अगर कुछ पॉइंट याद करना चाहे तो एग्जामिनिंग few alternatives, not seeking expert opinion, not being critical to each other's idea and not having contingency plans, ye 4 points we may learn. aur main to kahunga ki ye 6 ke 6 points yaad karo, but agar kisi ko yaad nahi ho pate to first is problem kya hai, kam alternatives ko check karte hain, har alternatives ko evaluate hi nahi karte, koi contingency plan hi nahi hai, na hi hum expert ka ओपिनियन ले रहे, ना ही हम ईच अदर की बातों को क्रिटिकली आंसर्स कर। क्रिटिकली का मतलब होता है कि भैया उसको हर एस्पेक्ट से चेक करना, उसको हर एस्पेक्ट से चेक करना। ओके सर, ऐसा मुझो को ताव दे रहे हो बेटा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे ऐसे। ओके, हाउ टू ओवरकम द ग्रुप थिंक, यार ओपन डिस्कशन अरेंज कर, एनकरेज करो। ग्रुप लीडर है, उसकी ड्यूटी है हर मेंबर से, हर मेंबर को एनकरेज करे, बोलो इसकी इस जो ग्रुप लीडर है उसकी ड्यूटी शुड बी द कंस्ट्रक्टर रादर दैन बी अ डिस्ट्रक्टर। ही शुड बी कंस्ट्रक्टिव, ही शुड बी न कंस्ट्रक्टिव रादर दैन डिस्ट्रक्टिव। मतलब कि बॉस, उसकी ड्यूटी होनी चाहिए कि वो ग्रुप को बनाए, लोगों को एनकरेज करे। द ग्रुप लीडर शुड एनकरेज द पीपल टू स्पीक अप, कम ऑन गाइस स्पीक अप, बोलो ताकि आपकी ग्रुप थिंक कम हो सके। सब ग्रुप बेस्ट पॉइंट मुझे लगता है ये, सब ग्रुप डिवाइड द ग्रुप इनटू द सब ग्रुप एंड गिव देम वन टास्क, डिवाइड द ग्रुप इनटू द सब ग्रुप, गिव देम वन टास्क। नाउ यू विल सी एवरी ग्रुप विल डू द सेम टास्क इन अ डिफरेंट मैनर, आपको ग्रुप थिंक टूट गया, इससे आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। इजी फर्स्ट पॉइंट क्या था, ग्रुप लीडर की ड्यूटी है कंस्ट्रक्टिव रहे, लोगों को एनकरेज करें कि अपनी प्रॉब्लम्स बताएं। होल्डिंग स्पेशल मीटिंग, एक ऐसी मीटिंग कॉल करो जिसमें जो भी गलत हुआ है ग्रुप के अंदर उस बात पे डिस्कशन करो, उसको मिसगिव करो, ऑब्जेक्शंस जो भी रेज कर रहे हैं उसकी बात को सुनी जाए, लोगों को एनकरेज किया जाए डाउट्स के लिए, और अपनी बातों को उनसे पूछा जाए वो ग्रुप में क्या चेंजेस चाहते हैं। मतलब दिस इज अ मीटिंग इन विच एवरी मेंबर शुड बी कॉल्ड अप एंड से कि यार वेर वी आर लैकिंग, मतलब उनसे पूछी जाए कि ग्रुप के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, वी हैव टू क्लियर दूस मिसअंडरस्टैंडिंग, ओनली देन वी आर एबल टू only then we are able to break the group think. So three points we are learning, main isko discuss karunga but still we are learning only three points. The first is fast call, the open discussion should be encouraged. Second is make a sub, third hold a special meeting, fourth ho sakta hai ek ombudsman ko appoint kar do ya ek outsider ko meeting mein bulao jo sare logo ki baat suna, fir sare logo se baat karke nishkarsh nikale ki kyun ग्रुप थिंक है। यहां तक बात समझ में आ गया नहीं आ गया? आउट डिस्कशन विद द आउटसाइडर्स, अगर कोई मेंबर जो है, अगर आप किसी आउटसाइडर्स का डिस्कस विद, वैसे इट इज नॉट रिकमेंडेड टू डिस्कस एवरीथिंग विद आउटसाइडर, अगर आप ग्रुप थिंक टूटना चाहते हो तो आप किसी एक्सपर्ट पर्सन से डिस्कस कर सकते हो ताकि वो आपको कोई रास्ता दिखाए कैसे ग्रुप थिंक टूटा जा सकता है। आई रिपीट वंस अगेन, द फर्स्ट इज ओपन कम्युनिकेशन शुड बी एनकरेज्ड, सेकेंड इज मेक द सब ग्रुप, third is hold the special meeting, and fifth is call the person outsider or the expert to enter into the meeting,
and he will listen the meeting and will discuss those things with the every members, so that he will came to a conclusion how the problem arise and where the problem is arise. And last is a discussion with the outsiders. Yahan tak baat clear ho gaya na sabko? Is this point pretty okay with everyone? I guess this point must be clear with everyone. Now, is group conflict? Group conflict hai kya? What exactly the group conflict is all about? Group conflict hai kya? Group conflict ka matlab hai ki jo aapke aur meri thinking match na hona, yani group ke andar struggle hona. कभी कभी मेरी और शौर्य सर की थिंकिंग मैच नहीं करती. ग्रुप के लिए अच्छी बात है भाई, डिस्कशंस तभी तो बढ़ेगा ना, डिस्कशंस तभी तो बनेगा ना. अगर डिस्कशंस नहीं होगा तो चीजें कैसे चलेगी? ये अगर सारी बंदा एक ही बात को मानता रह जाए तो ग्रुप थिंक नहीं हो जाएगा क्या? लेकिन एक्सेस ग्रुप कंफ्लिक्ट इज ऑल्सो बैड, क्योंकि अगर एक्सेस ग्रुप कंफ्लिक्ट होगा देर आर चांसेस दैट की पार्टीज के बीच में लड़ाई हो जाए. अगर एक्सेस ग्रुप थिंक हो गया ना, एक्सेस ग्रुप कंफ्लिक्ट हो गया ना, दे आर चांसेस दैट की पार्टीज के बीच में लड़ाई हो जाए और जो लोग हैं वो ग्रुप थिंक कर ले. तो बॉस सबसे अच्छा है कि कंफ्लिक्ट हो लेकिन विद इन द लिमिट्स में हो, क्योंकि ग्रुप कंफ्लिक्ट का होना जरूरी है. इट इज अ बेसिक फॉर एनी ग्रुप, इट इज अ बेसिस फॉर द इंट्रैक्शन. अगर ग्रुप कंफ्लिक्ट नहीं होगा तो ग्रुप थिंक बन जाएगा. सो देयर मस्ट बी अ ग्रुप कंफ्लिक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन इन अ ग्रुप, बट दैट मस्ट बी विद इन द लिमिट्स. इफ देयर इज द नो ग्रुप कंफ्लिक्ट इन द ग्रुप, द ग्रुप इज गोना टू बी ग्रुप थिंक, एंड द ग्रुप थिंक मीन्स ग्रुप का बर्बाद होना. सो देयर मस्ट बी अ ग्रुप थिंक, ग्रुप कंफ्लिक्ट. नाउ अगर ग्रुप कंफ्लिक्ट ज्यादा हो गया तब क्या होगा? अवॉइडेंस. लोग कंफ्लिक्ट को अवॉइड करने लग जाएंगे, ग्रुप थिंक बन जाएगा. Avoid the conflict, क्या बन जाएगा? ग्रुप थिंक. ब्लेम ग्लेम, एक दूसरे पे ब्लेम करने लग जाओगे. अक्सर हमारी एक दूसरे करेक्टर पे ब्लेम ग्लेम करने लग जाओगे. अरे यार ग्रुप बनाया है ना, ग्रुप के बातें करो ना. अक्सर हमारे जो लोकसभा में एक काम कहीं होता, ग्रुप लोकसभा इज ऑल्सो ग्रुप विच इज नॉट गुड फॉर. ब्लेम ग्लेम नहीं होना चाहिए. विन एंड लूज मेंटेलिटी, जब दो ग्रुप बन जाते हैं ना, एक सब ग्रुप जो अगेंस्ट होते हैं, तो उन दोनों में एक ही चीज होती है, या तो हार या जीत, विच इज ऑल्सो नॉट गुड. इसकी वजह से लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो टूट जाते हैं. अगर आप ग्रुप के ऊपर फोकस करना चाहते हो, अगर आप विन एंड लूज की मेंटेलिटी से दूर हटना चाहते हो, तो आपको जो है ग्रुप कंफ्लिक्ट करना है लेकिन विद इन द लिमिट्स. इफ देयर इज अ कंफ्लिक्ट, हाउ टू मैनेज द कंफ्लिक्ट? सबसे पहला प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच. ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है दोनों पार्टियों में, तो दोनों पार्टियों की ड्यूटी है कि लीडर्स की ड्यूटी है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखो. मतलब एक दूसरे की बात को सुनो और एक दूसरे को समझने की कोशिश करो. टास्क पे ज्यादा फोकस करो, इंडिविजुअल पे कम. एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब क्या है? एक दूसरे की पोजीशन में रख अपने आप को रख के सोचना. जब जिस दिन ये लोग करने लग जाएंगे ना, आधी से ज्यादा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी इस दुनिया की. फर्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच. टास्क पे फोकस करना है, इंडिविजुअल पे नहीं करना. एम्पैथी दूसरे बंदे की पोजीशन में रख के अपने आपको सोचना है. इक्वालिटी, हर किसी से राय लो. फोर्थ विलिंगनेस, दूसरे बंदे की बात को सुनने की इच्छा हो. I'll repeat once again, problem solving approach, how to manage the conflict. Problem solving approach, you have an approach to solve the problem, you have an approach, empathy, दूसरे बंदे की बात को ध्यान से सुनना है. Third, equality, हर बंदे से उसके ideas को मांगना है. Fourth is willingness, we are ready to listen others. Group conflict express struggle है, जरूरी है group के लिए, group के लिए अच्छा है, लेकिन within the limits. अगर limits में नहीं है तो दिक्कत हो सकती है. प्रॉब्लम क्या हो सकती है? ग्रुप थिंक की वजह से लोग, सॉरी ग्रुप कंफ्लिक्ट की वजह से लोग ग्रुप थिंक बना लेंगे. प्रॉपर मतलब ग्रुप के अंदर इंट्रैक्शन कम हो जाएगा, ग्रुप थिंक बन जाएगा. ब्लेम गेम,
एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाओगे, टास्क से हटके करेक्टरों पे बात उठ जाएगी। विल लूज मेंटली, या तो मैं जीतूंगा या ये हारेगा। विल लूज मेंटली आगे फोकस टास्क के हटा, एक दूसरे को जीत हार पे लग गया। मैनेज कैसे करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हो, हर बंदे के आइडियाज को प्रेजेंट किया जाए, एक बंदा दूसरे बंदे को सुनने को तैयार हो, दूसरे बंदे को अंडरस्टैंड करने को एम्पैथी बोलते हैं, और हर बंदा अपनी अपनी बात को कहे। यहाँ तक बात क्लियर आ गया? बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी चैप्टर का थोड़ा सा आगे वाले पॉइंट में, विच इज अ कंसेंसस बिल्डिंग एंड नेगोशिएशन प्रोसेस। कीप वॉचिंग, कीप प्लानिंग, दुआओं में याद रखना, नाम है बंदे का, सी यू विनीत जैन।